खरगोन जिले के टांडा बरौल में यूं तो ग्राम पंचायत द्वारा विगत एक वर्ष से लाखों रुपए नल जल योजना के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं, मगर आज भी ग्राम के कई स्थान ऐसे हैं जहां के बाशिंदे बद से बदतर जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्र में कहीं खरंजा निर्माण हो रहा है तो कहीं नाली निर्माण, जिसके चलते पानी की निकासी सही ढंग से नहीं होने के कारण दुर्गा मंदिर क्षेत्र में पानी की तलाइयां भरने लगी है। मच्छर एवं बदबू के साथ बीमारियां भी फैलने लगी है। इस संबंध में ग्राम के रहवासियों ने स्थानीय सरपंच श्रीमती रोशनी मोरे एवं सचिव मोहन राठौड़ को कई बार अवगत करवाया, पर विकास के नाम पर सिर्फ राशि निकालने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। इस संबंध में ग्राम के जागरूक मतदाताओं ने अब पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखा और सरपंच एवं सचिव को कई बार शिकायतें करने के बाद भी पानी निकासी और निर्माण कार्य नहीं होना बताया, जिससे कहीं ना कहीं शासन के आला अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस संबंध में राजेंद्र कुमरावत राजू भावसा ने बताया कि समय अनुसार कार्य नहीं होने पर जिला कलेक्टर को भी ग्राम वासियों के द्वारा ज्ञापन देने की बात कही गई। अब देखना यह है कि सचिव एवं सरपंच द्वारा जो विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वह कहां तक सही है, क्या समय अनुसार क्षेत्रवासियों की समस्या दूर होगी या विकास का पहिया हमेशा की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये क्या मामला है भाई? यहां पर नल जल योजना वालों ने पाइपलाइन खोदी थी और जो नल दिए थे उसके द्वारा पाइपलाइन फोड़ दी गई है। सरपंच साहब को शिकायत मिलने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ न उन्होंने जुड़वाई न वो पेची वालों ने जुड़वाई, अन्यथा यहाँ खराब पानी जाता है, गंदा पानी लोग पीने को मजबूर है। पानी जैसे ही नल आते हैं वापस नल खींचता है और नलों के अंदर पानी खराब जाता है और लोगों को पीने मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन इस शिकायत का निराकरण कोई नहीं हो रहा है। क्या नाम लिखते हो? राजेंद्र कुमरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।